ने शुरू कर दी है जंग की तैयारी। भारत की सीमा के पास चीन का युद्धाभ्यास, बौखलाए ड्रैगन ने 11 घंटे तक उगली आग। एक ओर हिंदुस्तान को धमकी और दूसरी ओर तिब्बत के पठार पर वॉर एक्सरसाइज की यह तस्वीर चीन की तिलमिलाहट को बयां कर रही है, जिसकी फौज तिब्बत की पहाड़ियों पर लेटेस्ट टैंक की टेस्टिंग के साथ लाइव फायरिंग करती नजर आ रही है। डोकलाम में भारतीय और चीनी सेना के बीच जारी तनातनी के बीच लाल सेना ने 5000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर 11 घंटे लंबा युद्धाभ्यास किया। बताया जा रहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के इस युद्धाभ्यास का मकसद सेना की क्विक डिलीवरी क्षमता को बढ़ाना है, साथ ही इस तरह के ठिकानों पर लड़ाकू क्षमता को बेहतर करना है। चीन की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक युद्धाभ्यास में सैनिकों को तुरंत पहुंचाना, डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करना और संयुक्त हमलों में कई सैन्य इकाइयों के साथ मिलकर अभियान को अंजाम देने का अभ्यास किया गया। अभ्यास करने वाला ये ब्रिगेड फ्रंट लाइन कॉम्बैट मिशन के लिए जाना जाता है और काफी लंबे समय से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्यम और निचले क्षेत्रों में तैनात है। इस युद्धाभ्यास पर चीनी मीडिया में एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें होविट्जर तोप और एंटी टैंक ग्रेनेड के साथ रडार यूनिट को दिखाया गया है। वीडियो में फौजियों को एंटी टैंक ग्रेनेड और होविट्जर का इस्तेमाल करते दिखाया गया है। हालांकि चीनी सेना ने यह युद्धाभ्यास किस समय किया, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है। कुछ चीनी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शक्ति का यह प्रदर्शन भारत को चेतावनी देने के लिए है। दावा किया गया कि विवादित डोकलाम इलाके में चीन के मुकाबले भारतीय सैनिकों की संख्या भी कम है, तो वहीं सैनिकों के पहुंचने, गोला बारूद और रसद के मामले में भी चीन बढ़त में है। इधर भारत ने भी ये जाहिर कर दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं। वहीं रक्षा जानकारों का मानना है कि चीन के इस तरह के युद्धाभ्यास से भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं। रेगुलर ट्रेनिंग का हिस्सा है, आप फायरिंग करते रहते हैं, जिसमें ट्रेनिंग का भी हिस्सा है, वेपन की एक्यूरेसी भी, वेपन की कारगरता के भी, ठीक काम करेगा नहीं, एम्युनिशन सही है कि नहीं, ये सब चीजें होती हैं। सिक्किम में तनातनी के बाद चीन ने पहली बार ऐसी हरकत नहीं की है। इससे पहले भी चीन की सेना ने 5100 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बत में मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। पहली बार पीपल्स लिबरेशन आर्मी की आर्म ब्रिगेड ने ऐसे एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज को अंजाम दिया। इसमें चीन का सबसे एडवांस्ड युद्ध टैंक टाइप 96B भी नजर आया। इस वॉर एक्सरसाइज में PLA की युद्ध ऑपरेशन के कमान के लोग शामिल हुए, साथ ही रक्षा उपकरणों की तैनाती, टुकड़ियों के बीच तालमेल और लाइव फायर शूटिंग जैसे अभ्यास भी किए गए। इस युद्धाभ्यास में चीनी सेना ने हमले और बचाव दोनों की रणनीति पर काम किया।